जस्ट इमेजिन, आप एक प्लेन में बैठकर दिल्ली से मुंबई की ओर ट्रेवल कर रहे हो और आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। पर क्या हो अगर आप उन 2 से 3 घंटों में मुंबई ना पहुंचो, बल्कि 35 साल बाद पहुंचो। ऐसा ही एक इंसिडेंट रियल लाइफ में हुआ है। एक प्लेन जो कि जर्मनी से ब्राज़ील की ओर ट्रैवल कर रहा था, उस प्लेन को जर्मनी से ब्राज़ील पहुंचने में लगभग 18 घंटे लगते, लेकिन वो प्लेन जर्मनी से ब्राज़ील पहुंचा 35 साल बाद। आज जब वो प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जब एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने प्लेन के अंदर जाके देखा, तो प्लेन के अंदर उन लोगों ने ऐसा कुछ देख लिया जिसे सुनने के बाद आप सबके भी रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स, ब्राज़ील के एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स जब प्लेन के अंदर गए, तो उन्होंने पाया कि सारे के सारे जो पैसेंजर थे वो मर चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी पैसेंजर थे वो सारे के सारे पैसेंजर्स स्केलेटन में बदल चुके थे, यानी कि कंकाल में बदल चुके थे। और जब ब्राज़ील के एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स पायलट के कैबिन पे जाके देखे, तो उन लोगों ने पाया कि पायलट भी जो था वो कंकाल में बदल चुका था, और जो पायलट का हाथ था कंकाल वाला, वो प्लेन के कंट्रोलर पे ही था। तो अब सवाल उठता है कि क्या उस प्लेन को एक कंकाल उड़ा रहा था, और तो और क्या कंकाल ने ही उस प्लेन को एकदम परफेक्टली सेफ तरह से लैंड कर दिया ब्राज़ील एयरपोर्ट पर। और तो और ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर वो प्लेन 35 साल तक था कहाँ, आखिर क्या हुआ उस प्लेन के साथ, वो प्लेन गायब कहाँ से हुआ था। आज की वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिए आज की वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। 4 सितंबर 1954, सैन डियागो एयरलाइंस का एक फ्लाइट, फ्लाइट नंबर 513 ने उड़ान भरी वेस्ट जर्मनी से, जिसे 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में लैंड करना था। लेकिन कुछ देर बाद ही जब ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था, तभी अचानक से इस प्लेन का जो कनेक्शन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज से कट हो जाता है। बहुत टाइम तक एयरपोर्ट अथॉरिटीज इस प्लेन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का कांटेक्ट इस प्लेन से नहीं हो पाता, तो अथॉरिटीज़ ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये प्लेन जो है अटलांटिक ओशन के ऊपर ही कहीं क्रैश हो गया होगा। कुछ समय बाद जब इस प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं चलता है, तब जर्मनी की गवर्नमेंट एक सर्च टीम को ये देखने के लिए भेजती है कि आखिर प्लेन का क्या हुआ, क्या प्लेन क्रैश हो गया, और अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो उस प्लेन क्रैश में कोई तो ज़िंदा बचा होगा। पर सर्च टीम को इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इस प्लेन के कोई भी क्रैश होने का सबूत भी नहीं मिलता है और ना ही लैंड होने का सबूत मिलता है। तो ये प्लेन आखिर बीच समुंदर में से गायब कहाँ हो गया। समय बीतता गया पर इस प्लेन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चला। 2 साल बाद, यानी कि प्लेन के गायब होने के 2 साल बाद, 1956 में सैन डियागो एयरलाइंस भी बंद हो जाता है। सैन डियागो एयरलाइंस पर प्लेन क्रैश होने के आरोप के कारण, प्लेन क्रैश होने का कोई सबूत ना मिलने के कारण, गवर्नमेंट भी इस प्लेन की तलाश को रोक देती है। टाइम बीता, साल बीता, दशकें बीती, पर इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चला। समय के साथ लोग भी इस प्लेन के बारे में भूल गए। लेकिन कुछ सालों बाद अचानक से ही, यानी कि 12 अक्टूबर 1989 में पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट पर एक अनजाना सा प्लेन उड़ता हुआ नजर आया। पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने उस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को यह पता चल चुका था कि ये वही सैन डियागो का प्लेन है जो कि आज से 35 साल पहले अटलांटिक ओशन के ऊपर से गायब हो गया था। अथॉरिटीज भी इस बात से शॉक्ड थे कि आखिर ये प्लेन 35 साल बाद यहाँ अचानक से आया कहाँ से। कुछ देर बाद वो प्लेन रनवे के बहुत ज़्यादा करीब आ गया और वो प्लेन लैंडिंग के लिए एकदम तैयार था। उस प्लेन ने एकदम परफेक्ट लैंडिंग की पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट पर। जब वो प्लेन लैंड हुआ तो अथॉरिटीज उसे देखकर एकदम शॉक्ड थे, क्योंकि वो प्लेन जो कि आज से 35 साल पहले गायब हो चुका था, वो आज अचानक से हमारे एयरपोर्ट पर कैसे आ गया। और तो और वो प्लेन एकदम वेल मेंटेन्ड था और उस प्लेन का जो इंजन था वो भी एकदम सही सलामत अच्छे से चल रहा था। बहुत समय बीत गया, जब उस प्लेन से कोई भी बाहर नहीं आया, तो अथॉरिटीज ने यह फैसला किया कि वो खुद प्लेन के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर प्लेन के अंदर है क्या, कोई है भी या नहीं। जब अथॉरिटीज प्लेन का दरवाजा तोड़कर प्लेन के अंदर गए और जब अथॉरिटीज ने प्लेन के अंदर का नज़ारा देखा, तो उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। अथॉरिटीज ने देखा प्लेन के अंदर कि प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर थे और जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे मर चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारे के सारे लोग एक कंकाल में बदल चुके थे।
और वो सारे के सारे कंकाल इस तरह से बैठे हुए थे अपनी सीट पर जैसे कि कोई इंसान बैठा हुआ हो। फिर अथॉरिटीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम पायलट के कैबिन में जाकर देखें, क्योंकि हो सकता है कि पायलट एकदम सही सलामत हो, क्योंकि जो प्लेन था वो एकदम परफेक्टली लैंड हुआ था, तो लोगों की ये उम्मीद थी कि पायलट एकदम सही सलामत होगा। लेकिन जब सिक्योरिटी ने पायलट के कैबिन का दरवाज़ा तोड़ा तो सारे के सारे लोग और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि जो पायलट था वो भी एकदम कंकाल में बदल चुका था और पायलट का जो हाथ था वो अभी भी कंट्रोलर पर ही था। मतलब क्या पायलट जो कंकाल बदल चुका है वही प्लेन को उड़ाकर लाया था। ये घटना पूरे ब्राज़ील में एक आग की तरह फैल गई। ये घटना ब्राज़ील में इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इस घटना की तहकीकात करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आए, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार ये प्लेन जो था वो किसी तरह के टाइम लूप में फंस गया था। मतलब वो प्लेन आसमान में किसी ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ पर जो टाइम था वो अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो था, और वहाँ पर जो टाइम था वो बार बार रिपीट भी हो रहा था। तभी तो प्लेन का फ्यूल जो था वो एकदम भी ख़त्म नहीं हुआ था, तभी तो वो प्लेन इतने देर तक उड़ रहा था, वरना 35 साल तक कोई भी प्लेन कैसे उड़ सकता है। मतलब जब प्लेन उस टाइम लूप में फंसा हुआ था तब जो टाइम था वो प्लेन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। अगर हम प्लेन के टाइम के हिसाब से देखें तो प्लेन तो 18 घंटे में ही एयरपोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन प्लेन के टाइम लूप में फंस जाने के कारण धरती का जो टाइम था वो तो नॉर्मली आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो प्लेन का टाइम था वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था टाइम लूप में फंस जाने के कारण। और जैसे ही प्लेन टाइम लूप से बाहर आया वैसे ही अचानक से प्लेन का टाइम 35 साल आगे बढ़ गया, और सारे के सारे पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग पायलट अचानक से कंकाल में बदल गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो प्लेन था टाइम ट्रेवल करके किसी और टाइम जोन में चला गया था और फिर से टाइम ट्रेवल करके वापस अपने टाइम में वापस आ गया। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अभी भी बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जिन लोगों ने भी नहीं किया है कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ जो वीडियो शो कर रहे हैं आपको स्क्रीन में आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है।